4.0 का जो आज आगा आज जो आगाज हुआ है और जो उसका उद्घाटन हुआ, उसके तमाम उद्योगपति जो तमाम लोग यहाँ पे आए हुए थे, उस प्रधानमंत्री ने जब उद्घाटन किया, वो भी मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तमाम लोग जब यहाँ पे थे, और जब उद्घाटन हुआ कार्यक्रम का उन्होंने अवलोकन किया, जो कंपनियाँ जो इस समय धरातल पर उतरने को एकदम तैयार हैं, जो 33 लाख करोड़ का जो MOU हुआ था उसमें 10 लाख करोड़ का MOU का जो है आज धरातल पर उतर जाएगा। जैसे अभी जब उद्योगपतियों से बात की जा रही तो उन्होंने बताया कि हम फला जिस जिले में हम उद्योग ला रहे हैं वहाँ के विकास क्या होगा, वहाँ के रूपरेखा क्या होगा उद्योग में, और जो क्रांति एक नई लिखी जाएगी कि तमाम जो बाधाओं को अगर पार करके अगर ये उपयोग अगर किया जा रहा है और उस धरातल पर कार्य किया जा रहा है तो उसका एक बहुत बड़ा जो है एक रिजल्ट निकल रहा है, चाहे वो विकास की बात हो या रोजगार की बात हो या डेवलपमेंट को, तो तमाम वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अभी जो तराई के क्षेत्र जो जिले थे, दो ऐसे उद्योगपति थे जो जो इस समय उत्तर प्रदेश में तो पहले जो सरकारें थी, एक कहा जाता था कि ये बाढ़ ग्रसित जिले हैं, इन पे ज़्यादा फोकस किया जाए, लेकिन वहाँ पे पर्यटन के लिए जब वहाँ पे ये किया गया जो बौद्धिस्ट हैं और जैन हैं तमाम ऐसे जो उसको पर्यटक के रूप में जो किया जा रहा है, ये एक लकीर खींची जा रही हो वहाँ पे, तो वो खुद बता रहे थे कि वहाँ के मतलब जो ग्रोथ है उस जिले की जो ग्रोथ है रेट उसको अगर आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तादाद में बढ़ रही है, और लोगों का जो आवागमन हो रहा है वो एक चीज़ है, उसी के लिए टूरिस्ट के साथ साथ उसके बाद उद्योग बढ़ रहे हैं, और एक बड़ा बड़ा जो उद्योग का जो ढांचा खाका तैयार हुआ है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब आप बात करें जो MOU जो साइन हुए थे, जो उनका शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद किया, अब उसमें जैसे अतिरिक्त ऊर्जा है, हेल्थ सेक्टर है या एजुकेशन है, उन सब चीज़ों को अगर देखेंगे तो वो भी डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, विकास की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो विकास का खाका तैयार किया गया और रोजगार का नए नए सृजन जो किए जा रहे हैं वो आप उसको देख सकते हैं कि वो एक लकीर बन के और वो उभर कर सामने आ रही है। बिल्कुल कौशलेंद्र, वापस आते हैं आपके पास। गोविंद वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। गोविंद जी, हम बात कर रहे थे बुंदेलखंड और तमाम उन छोटे जिलों की जहां पर विकास नहीं था, जहां पर सुविधाएं नहीं थी। आज ये क्लेम किया जा रहा है कि उनकी दशा दिशा को बदलने का काम मोदी योगी सरकार कर रही है। ये सही है मैडम कि पिछले कार्यकाल में, भाजपा के कार्यकाल में, हर जिले का कनेक्शन सड़कों के माध्यम से बढ़ा दिया गया, यह सत्य घटना है। दूसरी चीज, व्यापारी जो नहीं आ रहा था उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर भय और आतंक का साया भी था। हमने 1990 में डकैतों वाला भी देखा। माफी के साथ गोविंद जी, मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर रोकना चाहूंगी और उद्यमी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी जरा सुन लेते हैं। आज के दिन लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा सिचुएशन है यहाँ कि बाहर के स्टेट्स यूपी का एग्जाम्पल देने लग गए हैं कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर हो तो यूपी जैसा, अगर काबिल शासक हो तो जो इम्पॉसिबल सिचुएशन समझ में आती थी, अभी तो दो टर्म पूरे भी नहीं हुए हैं और 3-4 साल में कंट्रोल में आ गया था, 1-2 साल वेट करते हैं कि भैया ये टेम्पररी बदल तो नहीं जाएगा, पर जब देख रहे हैं कि रोज हालत बेहतर होते जा रहे हैं तो अब है जो वापस बिगड़ना पॉसिबल नहीं है, एक बार काम ठीक हो गया तो फिर ठीक हो गया। और जीबीसी में बढ़ा निवेश, लगातार निवेशकों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही है, निवेशक काफी खुश नजर आ रहे हैं। गोविंद जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। तो हमारा कहना यह था कि जितने जिले हैं उत्तर प्रदेश के, आवागमन का साधन एक दूसरे से, रोड का कनेक्शन बहुत अच्छा कर दिया गया जो व्यापारी हित में है। अगर रोड नहीं होते तो व्यापारी आने के लिए यहाँ तैयार नहीं होते। दूसरी चीज ये है कि जो भय और आतंक का इसके पिछली सरकार में था, पिछली सरकार, हमने 90 का दशक भी देखा, रोजाना अपहरण की रोजाना अखबारों में छाई रहती थी घटनाएं, अपहरण होते थे, इसलिए भय की वजह से तमाम तो उद्योगपति यहाँ से नोएडा शिफ्ट हो गए, दिल्ली चले गए, कोई बॉम्बे चला गया। अब वही पूंजी पर धीरे धीरे यहाँ पर लौट करके आ रहा है और उत्तर प्रदेश में व्यापार करना चाह रहा है, लेकिन ये सत्य तब होगा जब इनकी परियोजनाएं यहाँ पड़ जाएं, काम होने लगे और रोजगार बढ़ जाए, तब तो मानेंगे कि इनकी योजनाएं
सफल हुई। और अगर हम देखें कि चुनाव की वजह से ये सब काम किया जा रहा है तो इसको हम असत्य मानेंगे। ये काम जो आज हो रहा है ये काम 6 महीने पहले, साल भर पहले भी होना चाहिए था और उसमें रोजगार मिल जाता, तो आज ये कहने का मौका भी नहीं मिलता जनता को। हम तो जनता पे दिन भर भ्रमण करते रहते हैं और बातचीत सत्य करते रहते हैं, तो वही वे बताते हैं जो आज योजनाएं ये डाल रहे हैं या आज काम कर रहे हैं, इनको 6 महीने पहले करना चाहिए, साल भर पहले करना चाहिए। नहीं तो ये तो 2018 से चल रहा है ना गोविंद जी। 18 चल रहा है लेकिन अभी तक हमें धरातल पर कुछ दिखाई नहीं पड़ा ना, जनता को दिख नहीं रहा है, जनता को रोजगार नहीं मिला ना। लेकिन इसमें समय लगता है, हम ये भी समझते हैं कि इसमें समय लगता है और वो धीरे 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 साल दो साल चार साल में इसका जो है परिणाम हमारे समझ अगले 5 साल में दिखाई पड़ेगा, ऐसा मेरा सोचना है। ठीक है गोविंद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और बता दें कि यूपी में निवेश का महाकुंभ जिसकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, यूपी सरकार लगातार विकास के नए आयामों को तलाश कर रही है, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और यहाँ पर निवेश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रोजगार की दिशा में भी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। कौशलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कौशलेंद्र, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूँ यूपी में जिस तरीके का निवेश हुआ, वाराणसी से खुद सांसद हैं, खुद यूपी से वाराणसी के सांसद हो, तो कहीं ना कहीं खुद को काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं प्रधानमंत्री। और उन्होंने बताया कि यूपी में निरंतर निवेश हो रहा है और लोगों के जो पहले जिस तरीके का जो यूपी को लेकर एक छवि थी, आज उस छवि में कितना परिवर्तन आया है इन तमाम चीजों के बाद, उसको लेकर कहीं ना कहीं आज प्रधानमंत्री काफी आश्वस्त नजर आए। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जो प्रधानमंत्री, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात उत्तर प्रदेश के गर्व की है कि वो उत्तर प्रदेश में वाराणसी क्षेत्र लोकसभा से सांसद हैं, तो उत्तर प्रदेश में अगर विकास की बात की जाएगी तो वहाँ कहीं हमेशा प्रधानमंत्री के नाम से ही जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, वो प्रदेश के मुखिया हैं, लेकिन जब देश की बात होगी तो ये हो जाएगा कि प्रधानमंत्री जी जिस क्षेत्र से, लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, उत्तर प्रदेश में वाराणसी है, तो उस चीज़ को अगर देखें तो उनको गर्व करने का एक क्षण भी है। ऐसा नहीं है कि जो है जो विकास हो रहा है वो भी कहीं उसका गलत कोई फायदा या कोई गलत बात भी नहीं जा रही है कि नहीं अगर विकास ना हो। आप यहीं देख लीजिए जो आज जो है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में जिसका शिलान्यास, जिन कार्यों का लाया गया धरातल पे, आप उसमें जो उद्योग जगत जो हस्तियां आई हैं, जिन जिन सेक्टरों में निवेश हुआ है, जिनके लिए तैयार की गई जमीन, एक पूरा बताया गया कि जिन सेक्टरों में, चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर हो या हेल्थ हो या एजुकेशन हो या अतिरिक्त ऊर्जा हो और तमाम जो इंडस्ट्री जो है वो आईटी सेक्टर में हो, तो इन सब चीज़ों को अगर देखेंगे जिस क्षेत्र से प्रधानमंत्री आते और उस प्रदेश का अगर विकास को वहाँ बड़ी कंपनियाँ आकर अगर निवेश कर रही हैं तो एक गर्व करने की बात भी होगी। और रही बात अब विकास की, तो जो कनेक्टिविटी अभी देखिए वर्मा जी ने जो चीज़ कहा कि जो सड़कों का जो कनेक्टिविटी है, ये सही है कि अगर जिस प्रदेश में जिस जिले में सड़कें और ओवरब्रिज अगर बने हुए होते तो इससे पता चलता है कि नहीं कि विकसित जिला और विकासशील है, तो ये पता चल जाता है। तो आज जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो पर्यटन को बढ़ाने के लिए जो बात की जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज के लिए भी फायदेमंद हो रहा है और प्रदेश के लिए भी वो फायदा हो रहा है। तो इनको अगर आप देखेंगे तो जो उद्योग आज आ रहे हैं, ये उद्योग पहले भी आ सकते थे या पहले भी सरकारें ऐसा नहीं कि जो है काम नहीं को वो भी करना चाह रही थी, लेकिन उसमें बड़ी अड़चने आती थी। आज जो उद्योग आ रहे हैं उसको लाने में सरकार पूरी कोशिश करती है, अफसरों को दिन रात मेहनत करवाया कि कैसे उद्योग, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली बार 2017 में सरकार बनी तब देखिए ग्राउंड जो ब्रेकिंग सेरेमनी जो आज मनाया जा रहा है, सबसे पहले यूपी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, करीब 4 दिन तक वो कार्यक्रम चला था, उसके बाद देखिए तमाम उद्योगपतियों को लाया गया, उसके बाद उनको बताया गया उत्तर प्रदेश में जो खाका खींचे कैसे हम काम करेंगे, सिंगल विंडो पे जो उद्योगपति जिनके उनके जो कंपनीज के जो सीईओ होते थे या जो डायरेक्टर होते थे या उनके जो प्रतिनिधि थे, जब वो आते थे अफसरों से सीधा संवाद करवाया जाता, सिंगल विंडो पे काम होता, तो उनको परेशान सरकार की तरफ से लोन मुहैया करवाना, जमीन उपलब्ध करवाना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन वो लकीर खींच के एक लाया गया कि नहीं सिंगल विंडो पे काम होगा, अफसर हमेशा उद्योगपतियों के लिए जो भी प्रतिनिधि आएगा उससे चाहे जब भी हो मिलेंगे बात करेंगे।
करेंगे और उनको जो परेशानी होगी उससे तुरंत उस परेशानी को दूर करने का काम अफसर करेंगे। तो जब एक ग्राउंड पे किया गया तो भी एक तैयार हुई रूपरेखा की नहीं, उद्योगपतियों का अगर आने का जो रास्ता खुला वो पूरा एक जो तैयारी की गई थी, जो अफसरों को लगाया गया, जिस पे बात की गई थी और उद्योग किन जिलों में कैसा था। जैसे सबसे महत्वपूर्ण देखिए, पहले कोई ये जानता नहीं था, कुछ ऐसे जिले थे जो फेमस थे, चाहे वो पर्यटन को लेकर हो या कुछ उद्योग पदार्थ को लेकर हो, इन सब चीजों को लेकर। लेकिन जब ये बनी तो ODOP जब योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जब योजना आई, उसके बाद जब उसमें से बढ़ा तब उद्योग जो उन्होंने लाया, पहले जिले से उन्होंने प्रदेश स्तर पर लाया, एक कार्यक्रम किया गया, फिर प्रदेश उसको जो है राष्ट्रीय स्तर पर लाया। जब आज ODOP इंटरनेशनल लेवल पर बनने जा रहा है, अगर देखा जाए कि उत्तर प्रदेश से कई ऐसे जिले उद्योग हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, वो देख रहे हैं और लोगों को मार्केट में भी वो उपलब्ध हैं। तो ये चीज जब उत्तर प्रदेश से जो आयात और जो निर्यात कार्यक्रम जो शुरू है वो उद्योगपतियों के लिए एक बहुत बढ़िया रहा और उसका नतीजा है कि आज और GBC 4.0 का जो कार्यक्रम हुआ, जो प्रधानमंत्री ने जो चीज कही कि मैं गर्व महसूस, तो गर्व करने की बात है क्योंकि उत्तर प्रदेश के ही वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं और प्रधानमंत्री, उनका दूसरा कार्यकाल पूरा हो रहा है। और ये भी महत्वपूर्ण बात है कि देखिए इस समय देश जो है चुनाव में जा भी रहा है, लोकसभा चुनाव आगामी है, तो तीसरे कार्यकाल को लेकर भी लोगों को चिंता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए उनको गर्व की बात है और इन्होंने जो इंडस्ट्रीज के लिए जो किया है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, कि इंडस्ट्रीज कैसे आएगी और वो कैसे लोगों को इसका फायदा मिलेगा और रोजगार मिलेगा, विकास होगा, एक ओका का अगर सरकार यहाँ पे पहले से विकास का रास्ता न खोलती तो कहीं ना कहीं ये चीजें जरूर सामने आती कि नहीं जो है। और जो अभी देखिए वर्मा जी ने कहा कि पहले उद्योग क्यों यहाँ उत्तर प्रदेश से सब नोएडा शिफ्ट हो गए, तो नोएडा शिफ्ट होने का नहीं, नोएडा भी तो उत्तर प्रदेश में ही है, वहाँ भी डेवलपमेंट, लेकिन हाँ नोएडा है क्योंकि जो है कैपिटल एरिया से सटा हुआ है और कैपिटल से सटा तो लोगों को ज़्यादा विकसित समझते थे। लेकिन आज अगर हम बात करें सबसे बड़ा जो है, जो है आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है उसमें 121 करोड़ का उद्योग उस जिले को मिला है जो एकदम लास्ट जिले में, जिसको तीन स्टेट, सोनभद्र ऐसा एक जिला है जिसको तीन स्टेट बॉर्डर टच करते हैं, अगर वहां सबसे ज्यादा उद्योग लग रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ी जो है गर्व की बात होती है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये चूंकि चौथा ब्रेकिंग सेरेमनी रहा और यहाँ पर जिस तरीके से लगातार निवेश हो रहा है या जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है निवेश के मामलों में, ODOP का एक अहम योगदान है। प्रधानमंत्री ने देखिए आज उसका भी जिक्र किया, ODOP के तहत जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में निवेश हो रहा है और जिस तरीके से महिलाएं इसमें अपनी भागीदारी निभा रही है वो भी काफी अहम हो जाता है, क्योंकि जहां पहले महिलाएं बिजनेस करने के बारे में नहीं सोचती थी, काम करने के बारे में नहीं सोचती थी, वहां ODOP के तहत बहुत सारी महिलाएं आज इसका जो सरकार की योजनाएं हैं चाहे वो राज्य की हो चाहे वो केंद्र की हो उनका लाभ उठा के किस तरीके से काम करें, इसका जिक्र भी आज प्रधानमंत्री करते नजर आए। देखिए आपको बताएं, क्योंकि जब ODOP को जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट की बात की जाएगी तो कहीं ना कहीं लोगों को उसमें जो जिले लेवल पे स्थानीय स्तर पे जो लोग हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो या छोटे से कारोबार भी हो, अगर एक छोटा सा भी कारोबार अगर जिले में बन रहा है, अगर उसको कोई प्लेटफॉर्म मिलता है तो वो कहीं ना कहीं जाके जब प्लेटफॉर्म मिलना शुरू होगा तो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, उद्योग बढ़ावा। और जब सरकारें उनको सब्सिडी और तमाम लोन बैंकिंग सिस्टम से और जो है सरकारी तरफ जब मदद देने लगती हैं तो उसका विस्तार होता है। तो उस चीज को सरकार ने जो लकीर खींची, एक खींचना एक बहुत बड़ी चुनौती है और धरातल पे उद्योग लाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। लेकिन इन्होंने जो किया कि जो हमारे पास है पहले उसको हम जो है ऊपर कैसे ले जाएं, तो उन्होंने जब उसके लिए एक रणनीति बनाई, उस रणनीति के तहत उन्होंने एक मंच दिया कि पहले इनको प्रदेश स्तर पे पहले 75 जो उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, चाहे वो विकास में हो चाहे वो विकासशील हो या चाहे विकसित हो चुके हैं या चाहे पिछड़े हो, लेकिन वहाँ जरूर कुछ न कुछ ऐसे उद्योग हैं जो स्थानीय स्तर पे हैं जिसका लोगों को फायदा मिल रहा है और लोग जो है उसका उपयोग कर रहे हैं, तो उसको एक मन दिया जाए। तो उसको जब प्रदेश स्तर पर लाए कि एक सबसे महत्वपूर्ण बात की हो गई कि अगर किसी जिले में एक छोटे से कस्बे में अगर कोई उद्योग पनप रहा है, धीरे चल रहा है, लेकिन अगर उसको गति देने के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता हो या कुछ कनेक्टिविटी की उसको आवश्यकता हो तो उसके लिए जब सरकार ने कदम बढ़ाया तब कहीं जाके वो स्टेट लेवल पे उसके लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया। जब उसको मिल गया कि नहीं, सरकार ने भी जांचा परखा, पूरी एक टीम लगाई, दिन रात उस पर वर्क किया गया कि
इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, और इससे अगर ये बढ़ेगा तो इससे रोजगार का जो सृजन होगा और जो विकास की एक लकीर खींची जाएगी, वो एक जो है बहुत मंच के माध्यम से बहु अमीक तरफ तरीके से जिसको देखेंगे कि वो बूस्टअप किया, तब जाके जब उद्योग की बात हुई कि हमारे यहाँ इतने उद्योग हैं स्थापित, पहले तो ये भी पता लगाना मुश्किल हो जाता था कि आप यही कानपुर इंडस्ट्रीज की अगर बात की, जैसे कहा जाता है कि इंडस्ट्रीज हब है कानपुर, अगर आप कानपुर देखिए अभी कितने जो बड़े उद्योग हैं जो नामचीन है उनका तो नाम है, लेकिन वही कानपुर में अगर आप देखिए तो कुछ ऐसे छोटे उद्योग हैं जिनकी पहचान नहीं थी, लेकिन जब ODOP की जब बात आई वो सब जब एक मंच मिला तो आज वो उद्योग कहीं कहीं देखिए विस्तार करता हुआ नजर आ रहा है, और जब विस्तार करेगा तो ऑटोमेटिक उस विकास की बात होगी, और चाहे जो है रोजगार सृजन की बात होगी या चाहे एक जो परियोजना के तहत जिसको लाने को होगी उसमें भी लोगों को फायदा मिलता है। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो जिस तरीके से यूपी में निवेश हो रहा है या यूपी में जिस तरीके से ODOP के तहत काम हो रहा है, महिलाओं की भागीदारी है, विपक्ष के लेकिन बहुत आरोप है कि आप ये कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि निवेश आ रहा है लेकिन धरातल पर निवेश नजर नहीं आ रहा है। को बताएं कि विपक्ष की राजनीति भी ऐसा नहीं कि देश और प्रदेश के लिए जरूरी नहीं है, जरूरी है। अगर विपक्ष ही नहीं रहेगा तो राजनीति आप किस पे करेंगे? अगर आपको जो है कोई काम करना है और अगर उसके दो आलोचक न खड़े हों तो आप वो काम को फिर आप किसी निष्कर्ष पे और किसी रिजल्ट पे आप पहुंचा भी नहीं सकती हैं। तो वो जो है अगर विपक्ष कुछ आरोपों पे जो है लेके अगर सरकार घेरने के उद्योग की बात कर रहा है तो सरकार को कि मंच है, सरकार अपने मंच के माध्यम से, क्योंकि सरकार का काम है ठीक है, हाँ विपक्ष जो हमसे कर रहे हैं उस पर ध्यान अगर नहीं दे रहे हैं, हम अपना विकास काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं कोई गलत होगा तो ये विपक्ष जो आवाज़ उठा है तो कहीं ना कहीं जनता के लिए और प्रदेश और देश के लिए भी जो है हितकर होता है। तो ये चीज़ें कहना कि विपक्ष आवाज़ उठा रहा है तो विपक्ष इसीलिए बैठा हुआ है कि अगर वो आवाज़ नहीं उठाएगा तो क्या करेगा, सरकार की हाँ में हाँ तो मिला नहीं सकता है। सब राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीति करने के लिए उनको अपनी पार्टी को फायदा देना है, अपने पार्टी को फायदा पहुंचाना है। भाई ये आज ये सत्ता में है, कल वो सत्ता में थे, या हो सकता है परसों वो सत्ता में आ जाए, तो ये चीज़ें हैं, ये आरोप और प्रत्यारोप चलता रहेगा। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है, तो कल हो सकता है कि कहीं सरकार किसी दूसरी पार्टी की रहे तो फिर भाजपा भी उस पर आरोप लगाएगी, और लगाई भी है, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इसके पहले जो सरकारें रही हैं उनको घेरा नहीं, अगर घेरती नहीं, जनता के बीच में जाते नहीं, जनता तक इनकी बात न पहुंची तो सत्ता में आते क्यों, तो एक चीज़ ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन खैर ये राजनीति की बात है, और राजनीति की अगर बात होगी तो लंबी चौड़ी लोगों तक पहुंच जाएगी, लोग जो है एक उस मंच है, क्योंकि आज उद्योग की अगर बात हो रही, जो उद्योग आज धरातल पे जो उतारा गया है, पहले उसके जो उद्यमी यहाँ पे आए हैं उन्होंने जिस तरह से बात की, लोगों से जो बात की, उनका जो रिस्पॉन्स मिला है वो कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए और देश के लिए हितकर है, और आगे भी जो है अगर ऐसे निरंतर कार्य होते रहेंगे तो प्रदेश और देश के लिए हितकर रहेंगे। और जो रोजगार की बात हो, चाहे वो जैसे अभी उद्योगपति या एक उद्योगपति सभी हम बात कर रहे थे, उन्होंने माइक आईडी पर हालांकि नाम लेने से उन्होंने मना किया, क्योंकि कहा कि हम उद्योगपति, हम किसी राजनीतिक पक्ष हम नहीं लेना चाहते, लेकिन अगर पहले हमको ये मंच मिल गया होता तो आज उत्तर प्रदेश में हम और भी आगे जा सकते थे, लेकिन पहले नहीं मिला। तो अगर अब उनकी बात करें तो सीधा विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं कि आवाज सरकार जो कर रही है, इसके पहले सरकारें जो थी उनको मंच नहीं दे पाई थी, इसलिए उनको जो है फायदा नहीं मिला, और जो उद्योग उनका जो विस्तार का जो रूप ले रहा है वो नहीं ले पाता, जो है नहीं ले पाया, इसका उनको जो है दुख भी और ग्लानि भी है। लेकिन अब जो बात कर रहे हैं कि अगर उन्होंने भी कहा कि जैसे कि अभी इसी पे बैठ जाना नहीं है कि आज 10 लाख करोड़ के जो है उद्योग अगर धरातल पर उतर रहे हैं, चाहे वो बुंदेलखंड हो या अवध हो या पश्चिम हो या पूर्वांचल हो, हर जगह अगर उद्योग हो रहा है, लेकिन इसको इतना ही मान के नहीं, निरंतर उस पर कार्य करना पड़ेगा। आपका जवाब जानकारी साझा करने के लिए, और जिस तरीके से यूपी में हो रहा है निवेश उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि लगातार उत्तर प्रदेश निरंतर नए आयामों को छूने के लिए अग्रसर है। और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया है। निवेशकों की बहार आई है यूपी में, और यूपी में लगातार निवेश हो रहा है जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री करते हुए भी नजर आ रहा है, और काफी उत्साहित नजर आए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते